आज संडे है वैसे, और वैसे है होली। तो सबसे पहले होली की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। कुछ तो हो गया है चेहरे पे। खैर करते हैं आज के दिन की शुरुआत, देखते हैं आज का दिन कहाँ लेके जाता है। तो यार देखो, अब क्या है कि मेरी हर वीडियो पे 5 से 10 व्यूज आने लग गए हैं, चाहे भले ही वो मेरे व्हाट्सअप के रेफरल से क्यों ना आते हो। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कैमरा फ्रेंडली बनूं। जी हाँ, कोई अगर कैमरा के सामने खड़ा है तो अच्छा लगना भी चाहिए। हाल ही में मैंने कुछ वजन गेन कर लिया है क्योंकि मेरी लाइफ थोड़ी सी सेडेटिव चल रही है, मतलब ज़्यादातर काम उठने बैठना आप तो देखते ही हो। खैर इसलिए मुझे पापा का पुराना नुस्खा याद आया। जी हाँ, वही गर्म पानी के साथ नींबू निचोड़ के सुबह सुबह नीनाबासी यानी खाली पेट पीने का। खैर वो काम निपटाया था, इतने में मुझे याद आया बाहर मौसम ऐसा हो रखा है जैसे बारिश आने वाली हो। खैर आज था साप्ताहिक राशिफल, क्योंकि आज है संडे, तो उसमें लिखा हुआ था उतार चढ़ाव के चलते किसी नए प्रोजेक्ट का प्रपोजल मिल सकता है, शांतिपूर्ण प्रपोजल को देखने की आवश्यकता रहेगी, सहयोग तथा अनुभव के आधार पर निर्णय लें, व्यापार में गुरुवार शुक्रवार में बड़े कार्य होने से लाभ की स्थिति बनेगी, नौकरी के वैधानिक कंपनियों से जुड़े क्षेत्रों में विदेशी है क्या ये, हाँ अवसर है। खैर मुझे लग नहीं रहा कि कुछ ऐसा होगा, तो मैंने थोड़े से और जो बूंदाबांदी चल रही थी उसके कुछ सिनेमेटिक से पोज निकालने की कोशिश की है। हालांकि इतना एक्सपर्ट मैं हूँ नहीं, लेकिन मेरी नज़र में तो एक अच्छा ही फुटेज है। खैर आप बताइए ये फुटेज कैसा लगता है आपको। इतने में मेरे और कुछ भाई बंधु आ गए थे जिन्हें मैं जानता हूँ, तो मैं उनके साथ बैठ कर के सुबह की पहली चाय पी और फिर मुझे हिमांशु जी मिल गए। उसके बाद हम चल दिए थे बड़े भाई साहब की तरफ, तो चलते चलते मुझे एक ओक्स दिखा। जी हाँ बैल। खैर इतने में कुछ कुत्ते पीछे पड़ गए थे, भाई बताना नीचे वास्तव में कुत्ते पीछे पड़ गए थे, तो हिमांशु की हंसी छूटी गई थी। तो मैं वो हंसी बर्दाश्त करते करते वो चला था अपने बड़े भाई साहब अमित शर्मा जी की ओर अग्रसर। खैर उनके पास पहुंचा तो दिन के बज चुके थे 12 और ये भाई साहब अभी तक उठे नहीं। खैर थोड़ी देर हमने बकवास की, कैसे जैसे करके उसको उठाने की कोशिश की, और थोड़ी देर बाद भाई साहब उठ गए। उठते ही उन्हें पता चला कि अरे इस साल तो इन्होंने नीट MDS दिया है, और MDS दिया है तो कुछ क्वेश्चन पेपर भी देखे जाए। तो हमारे हाथ लगे थे 100 से 150 क्वेश्चंस, तो उन्हीं के बारे में ये भाई साहब हमें भी टेंशन देने लगे। खैर इतना कुछ हुआ तो मुझे याद आया कि यार कुछ लेके जाना चाहिए, तो मैंने आज काले चने लिए। जी हाँ हमारे यहाँ खेतों में यही चने होते, यहाँ तो मुझे खरीदने पड़े 80 रुपये के भाई। खैर कुछ और सोच विचार कर ही रहा था कि इतने में अमित भाई साहब को याद आया कि अरे उन्हें तो कुत्ता खाज हो रही है, और ये भाई साहब हिसाब क्लियर कर रहे थे। इनका हिसाब आज चुकता हो चुका है। आपका दिन कैसा रहा मुझे बताइए। बाय द वे हैप्पी होली। भाई भाई न किया करो, भाईचारा चुप है, लिखा सुना सब पढ़ते हैं, हम दिखाते हैं रिश्ते निभाने में है।